प्रयागराज में सीएम योगी गरीबों को देंगे आशियाने की सौगात। बाहुबली अतीक के अवैध कब्जे से खाली कराई जमीन का करेंगे भूमि पूजन। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 76 फ्लैट। सीएम योगी आज कौशाम्बी भी जाएंगे, यहां वो विकास की कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जन विश्वास यात्रा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यालय मंझनपुर के डाइट मैदान में होगी रैली। भारत की नई ताकत देखेगी दुनिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में रखेंगे डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला। सीएम योगी भी रक्षा मंत्री के साथ रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर आज मिशन यूपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज और जालौन में करेंगे कई जनसभाएं। अगले 6 दिनों में यूपी के 10 जिलों का करेंगे दौरा। यूपी चुनाव को लेकर आज दिल्ली में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बुलाई अहम बैठक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा समेत कई मंत्री होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। मन की बात कार्यक्रम का ये 84वां संस्करण होगा। आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के लोगों के साथ करेंगे बैठकें। 5 घंटे तक अलग अलग बैठकों में मंथन करेंगे जेपी नड्डा। शनिवार शाम हरक सिंह रावत और सीएम धामी के बीच हुई मुलाकात। मीटिंग के बाद हरक सिंह की दूर हुई नाराजगी। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ देगी धामी सरकार। खटीमा के नारायण नगर में 2 घर आग की चपेट में आए। सीएम धामी की पत्नी ने पीड़ितों से रात में ही की मुलाकात। प्रशासन ने पीड़ितों को सहायता राशि भी दी, गर्म कपड़े और राशन भी मुहैया कराए। यूपी में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू की पहली रात सड़कों पर मुस्तैद दिखे अधिकारी। बाहर घूम रहे लोगों को हिदायत देकर भेजा गया वापस। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहा नाइट कर्फ्यू। मथुरा के जहरखाना मोहल्ले में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। दोनों पक्षों में पथराव और चाकू भी चले। 2 लोग हुए जख्मी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही फरार हुए उपद्रवी। पथराव का लाइव वीडियो आया सामने। यूपी में सीएम की पहली पसंद कौन है? योगी आदित्यनाथ 42% लोगों के लिए पहली पसंद है। अखिलेश यादव को 35% लोगों ने सीएम की पहली पसंद माना है। मायावती को 14, प्रियंका को 4% लोग पहली पसंद मानते हैं। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? 42% लोग सीएम योगी के काम को अच्छा मानते हैं। 20% लोगों को लगता है कि सीएम योगी का काम औसत है। 38% लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट नहीं हैं। यूपी में कौन सी पार्टी की जीत दर्ज होती दिखाई दे रही है? 48% लोगों का मानना है कि भाजपा प्लस की जीत होगी। 31% लोगों का मानना है कि सपा प्लस की जीत होगी। बसपा की जीत का दावा 7%, कांग्रेस की जीत का दावा 6% लोग कर रहे हैं। अन्य की जीत का दावा 2%, त्रिशंकु सरकार बनाने का दावा 3% लोग कर रहे हैं। यूपी में किस पार्टी को कितने वोट? इस सवाल पर बीजेपी प्लस को यूपी में 41% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को यूपी में 34% वोट मिलते दिख रहे हैं। बसपा को 13, कांग्रेस को 7 और यूपी में अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को बुंदेलखंड में 42% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को बुंदेलखंड में 33% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड में बसपा को 12% तो कांग्रेस को 9% वोट मिल सकते हैं। बुंदेलखंड में अन्य दलों को 4% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। अवध में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को अवध में 43% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को अवध में 31% वोट मिलते दिख रहे हैं। अवध में बसपा को 10%, कांग्रेस को 8%, तो अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 8% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल में किस पार्टी को कितने वोट?
बीजेपी प्लस को पूर्वांचल में 40 फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को पूर्वांचल में 36 फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं। पूर्वांचल में बसपा को 12, कांग्रेस को 7% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल में अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखते हैं। पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को पश्चिमी यूपी में 40 फीसदी वोट, सपा प्लस को पश्चिमी यूपी में 33 फीसदी वोट मिलते दिख सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बसपा को 15, कांग्रेस को 7 और पश्चिमी यूपी में अगर अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा? 17% कहते हैं ध्रुवीकरण, 23 किसान आंदोलन को मुद्दा मानते हैं, कोरोना को 16, कानून व्यवस्था को 16 और सरकार के काम को 6%, पीएम की छवि को 6% मुद्दा मानते हैं। किसी अन्य मुद्दे के प्रभावी रहने की बात 16% तक सामने आती है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन, 3 जनवरी से बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। कहा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए देश में शुरू होगा टीकाकरण। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। पीएम मोदी ने कहा देश के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन पर नजर बनाए हैं। कहा 61% लोगों को दी जा चुकी वैक्सीन की डोज। कहा घबराएं नहीं, सावधान रहें। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर छात्रों को सीएम ने दी बड़ी सौगात। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 1,00,000 छात्रों को बांटे मोबाइल और टैबलेट। कहा इस तकनीक से युवा होंगे और स्मार्ट। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा 2017 के पहले की नियुक्तियों में होता था भाई भतीजावाद। नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग वसूली पर निकलते थे। कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने बताया हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया हुई। 4.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। सीएम ने मंच से कहा भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा की छाप वैश्विक मंच पर दिखाई। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला समेत कई सीईओ का जिक्र अपने संबोधन में किया। दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का छाप वैश्विक मंच पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। सीएम ने युवाओं को संबोधित कर कहा सर्वाधिक युवा भारत के अंदर यूपी में है। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं, वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं है। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं है। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं है। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी के पैतृक गांव जाकर बटेश्वर को दी बड़ी सौगात। सीएम योगी ने 230 करोड़ की 11 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पहले की सरकारों पर सीएम योगी का हमला। कहा पहले गरीब का पैसा खा लिया जाता था, गरीबों को उनका हक नहीं मिलता था। फिरोजाबाद में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर हमला। कहा बुखार की वजह से जो मौत हुई उसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है, नाम बदलने के बजाय डॉक्टर का इंतजाम क्यों नहीं कर रही है सरकार। असद ओवैसी ने कहा कि भाजपा की सरकार से नहीं कोई काम हुआ है, बेरोजगारी में हो चुका है डबल इजाफा, फिरोजाबाद के 34% गरीबों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं।
भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया। साक्षी महाराज ने आगे ये भी कहा, हैदराबादी दाढ़ी वाले कहते थे राम मंदिर निर्माण पर खून की नदियां बह जाएंगी, अब उन्हें कौन समझाएगा कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हरदोई के संडीला में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। कौशल किशोर ने कहा, अखिलेश को जिस तरह तकलीफ होती है उससे लगता है वह संपत्ति इकट्ठा करने वालों में उनका सहयोग भी है। कहा, छापा दूसरों के यहाँ पड़ता है, तकलीफ अखिलेश यादव को होती है। नए साल पर मेरठ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 2 जनवरी को मेरठ के सरधना में खेल यूनिवर्सिटी की रखेंगे नींव। 335.90 करोड़ में बनेगी यूनिवर्सिटी। जनवरी 2021 को सीएम योगी ने किया था खेल यूनिवर्सिटी का ऐलान। संगीत सोम ने एक बार फिर दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, प्रदेश के 75% बदमाशों को हमारी सरकार ने ठोक दिया, बाकी बचे 25% बदमाशों को भी जल्द ठोक देंगे। इत्र कारोबारी के घर छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट कर लिखा, सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनवीस जिसके गुनाह की कहानी, उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पूरी हुई इनकम टैक्स की रेड। नोटों की गिनती हुई बंद। अब तक करीब 177 करोड़ की नकदी, सोना और दस्तावेज बरामद। सभी पैसों को स्टेट बैंक में रखवाया गया। सीएम धामी से बातचीत के बाद मान गए हरक सिंह रावत। मुख्यमंत्री ने हरक सिंह रावत को मेडिकल कॉलेज का दिया आश्वासन। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने निभाई अहम भूमिका। हरक सिंह रावत के मामले पर सीएम धामी का बयान। कहा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए जारी कर रहे हैं धनराशि। बात रखी है, उस पर बात चल रही है, परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी सर, बात क्या नहीं। बात थी आप नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर कोर्ट द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये परिवार की बात, चुनाव के दौर में सभी चाहते हैं उनके क्षेत्र में काम हो, और चूंकि चुनाव नजदीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, पहले अपने घर से बाहर निकले विपक्ष। नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा, वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजें चल रही हैं। आज हैं रावत जी, इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे उनको, उनको आगे कर नहीं रहे, तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको खराब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। सीएम धामी ने फोन पर एबीपी गंगा से की बात। सीएम ने कहा, हरक सिंह रावत से हो गई है बात, अब कोई नाराजगी नहीं, हरक पार्टी के साथ और सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, मेडिकल कॉलेज को लेकर थी हरक सिंह की नाराजगी, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, भाजपा में सब ऑल इज वेल। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है। अल्मोड़ा में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। हरीश रावत पर ली चुटकी। कहा, बड़े भाई को ज्यादा ही परेशानी है तो छोटा भाई मैं हूँ, आ जाए ख्याल रखूंगा। अमरोहा के जोया कस्बे के प्रेमनगर में शराबी युवकों ने की सचिन चौधरी के कार में तोड़फोड़। कार मालिक के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए सभी आरोपी। शामली के मोहल्ला नौकुआ में दुकान पर सामान लेने के विवाद में युवक की पिटाई। जल्दी सामान लेने की कोशिश में था युवक, जिसकी दूसरे युवकों के साथ बहस हो गई। दबंगों ने उसे सीढ़ी से नीचे फेंक कर लात घूंसों से पीट दिया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। राजधानी लखनऊ के थाना गुंडब्बा क्षेत्र के पहाड़पुर के पास रात में गलियों में दिखा चीता। पहाड़पुर चौराहे के पास पूजा नर्सिंग होम की गली में सुबह 4 बजे दिखा चीता। सीसीटीवी फुटेज में चीता देखे जाने की हुई पुष्टि। स्थानीय लोगों में खौफ।